चले अंदर चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे रश काफी है यहाँ पे, उसमें अंदर जाके हमने देखना है कि क्या अपने हिसाब से लेना है। वैसे तो अखरोटी हलवा यहाँ का बहुत मशहूर है, मिठाई है सारी अवेलेबल है। ये सारे हलवा जा रहे हैं, तो हम यहाँ से देखते हैं कौन कौन सा लेना है अपने। ये बताओ कौन कौन सा लेना है? एक तो अखरोटी हलवा ले लेते हैं एक एक किलो हम अपना, दूसरा ये एक अरबी हलवा भी होता है, ये आधा आधा किलो लेना है, और ये गजक वगैरह है, ये शाही सोना। मिठाई लेनी है या नहीं लेनी है? हलवा ज़्यादा लेना है, हलवा ज़्यादा ले लें, और मिक्स हलवा ज़्यादा भी होता है तो मिक्स करवाएं हम। वैरायटी इतनी है ना कि यहाँ पे बंदा क्या ले क्या नहीं करे। ये हमने लिए हैं देखें, एक एक किलो वाले दो डब्बे ही मशहूर डब्बे हैं इनके यहाँ पे। बाकी ये अरबी हलवा ले रहे हैं हम, बस सर ये टोटल हो गया हमारा। जी सर हमारा कितना हुआ है? 6040। जी अयान कैसा लगा आपको, एंजॉय किया आपने? हलवा तो आप खा चुके हो पहले इनका? बहुत मजे का था, पहले हमने मंगवाया था, खुद लेने आए हैं। तो खुद आना कैसा लगा यहाँ पे? अब यहाँ से निकल के हम लोग जो है ना अपनी गाड़ी की तरह जा रहे हैं। बर्गर्स एंड फास्ट फूड भी इनका वो हमने ट्राई नहीं किया है, देखा तो वो जो हम यूज़ कर चुके हैं पहले बस। ए ये कंजेस्टेड देखे, काफ़ी मुश्किल होती है, आप गाड़ी तो अंदर नहीं ला सकते हैं यहाँ पे, गाड़ी दूर पार्क करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद जो है ना आप यहाँ पे हार्डली 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, बहुत थोड़ा सा। और इस बहाने ये कि यहाँ अंदरून शहर मुल्तान की भी हमने सैर कर ली है, और ये सौगात भी ले ली हमने, तकरीबन 6040 रुपये बने। मैंने जो चीज़ें ली हैं उसको भी मैं आपको रिव्यू कर दूंगा डिटेल्ड में।